So hey guys, welcome on my YouTube channel Ops Gani Lecture Battle Mingo Swami. So here आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि precocious puberty क्या होती है. हमने puberty से related पहले बात की हुई है, तो देखो क्या क्या common disorders होते हैं puberty के. पहली चीज precocious puberty, delayed puberty, menstrual abnormality जिसमें आता है amenorrhea, that means periods ना होना, menorrhagia, heavy bleeding, dysmenorrhea, that means बहुत ज़्यादा pain होना in the lower abdomen during menses, and others like infection, neoplasm and hirsutism. These all are the common disorders of the puberty. So first we start with the precocious puberty. इसका मतलब क्या होता है? That means कि अपनी age से पहले ही जब girls की girls में secondary sexual characteristic आने लगते हैं, like अगर बच्चा जो है मतलब female जो है वो 8 साल से पहले ही कुछ secondary sexual characters और 10 साल से पहले ही periods अगर उसके हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं precocious puberty. Like next बात आती है type of causes. ठीक है, क्या क्या इसके cause हो सकते हैं या इनके टाइप क्या क्या हैं? सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस. सो सबसे पहले आती है, ये दो तरीके की है. पहली चीज GnRH डिपेंडेंट, दैट मींस गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन पे डिपेंड, जो कि 80% है. एंड सेकंड इज दी GnRH इंडिपेंडेंट, मतलब कि GnRH से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो GnRH डिपेंडेंट लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल मोस्ट कॉमन रहता है. जुवेनाइल प्राइमरी हाइपोथायरायडिज्म, मतलब कि बच्चे में ही क्या हो गया है, हाइपोथायरायडिज्म. इंट्राक्रैनियल लीजंस लाइक अ ट्रॉमा, ट्यूमर और एनी इन्फेक्शंस. इनकम्प्लीट में आता है प्रीमेच्योर थलाक. थलाक मतलब होता है ब्रेस्ट बडिंग होना. प्रीमेच्योर प्यूबार, दैट मींस कि जो प्यूबिक हेयर है वो पहले ही टाइम पे आज पहले टाइम में ज्यादा पहले आ जाना. प्रीमेच्योर मेनार्थ, इसका मतलब होता है कि मेंसेस पहले हो जाना. नेक्स्ट बात आती है GnRH इंडिपेंडेंट की, मतलब GnRH से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको हम स्यूडो प्यूबर्टी भी कहते हैं, जो कि किसकी वजह से होती है स्यूडो प्यूबर्टी, ईस्ट्रोजन के ज्यादा होने की वजह से या फिर एंड्रोजन एक्सेस की वजह से. इसमें आता है ओवरी में अगर ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर है या कीका ट्यूमर है, लेटिंग सेल ट्यूमर है, कोरियोनिक एपिथेलियोमा है, एंड्रोब्लास्टोमा या फिर मैक्यूल अल्ब्राइट सिंड्रोम है, या एड्रीनल में हाइपरप्लेजिया या एनी ट्यूमर हो गया है, क्योंकि एड्रीनल में से रिलीज होता है एंड्रोजन, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा एड्रिनल के दो पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेड्यूला. एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है उसमें से स्टेरॉइड्स निकलते हैं और स्टेरॉइड में आता है एंड्रोजन. सो अगर एड्रिनल ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया या फिर ट्यूमर हो गया है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, एंड्रोजन ज्यादा सिक्रीट हो सकता है. नेक्स्ट इज द लिवर. लिवर में से क्या होता है, अगर लिवर में होता है हेपेटोब्लास्टोमा, सो इट मे लीड टू द प्रिकॉशियस स्यूडो प्यूबर्टी. एंड नेक्स्ट इज द एट्रोजेनिक, दैट इज ईस्ट्रोजन और एंड्रोजन के इनटेक की वजह से, अगर ज्यादा ईस्ट्रोजन और एंड्रोजन लिया उसके इनटेक की वजह से. सो ये बहुत ही बेसिक सा था. यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट चीज जो आती है उसमें आता है इंट्राक्रैनियल लीजन में मेनिनजाइटिस, एनसेफेलाइटिस, क्रेनियो फेरिंजियोमा, न्यूरोफाइब्रोमा और एनी ट्यूमर और हाइपोथैलेमिक और पीनियल ग्लैंड. ठीक है, तो अगर इंट्राक्रैनियल लीजन यहाँ पर है, एक आता है नेक क्वीन अल्बर्टाइज सिंड्रोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना ही होता क्या है. इट इज करेक्टराइज बाय सेक्सुअल प्रिकॉसिटी, दैट मींस उम्र से पहले सेक्सुअल करेक्टर्स आने. मल्टीपल सिस्टिक बोन लीजन्स, दैट मींस पॉली स्टॉटिक फाइब्रस डिस्प्लेजिया, एंडोक्राइनोपैथीज एंड कैफे अलॉट स्पॉट्स ऑन द स्किन, दैट मींस ये क्या हो गया, न्यूरो फाइब्रोमा, इसमें कैफे अलॉट स्पॉट्स आते हैं. सेक्सुअल प्रिकॉसिटी इज ड्यू टू अर्ली और एक्सेसिव ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन फ्रॉम द ओवरीज. FSH, LH लेवल आर लो, मतलब ईस्ट्रोजन ज्यादा हो गया, ओवरी से ईस्ट्रोजन ज्यादा निकल रहा है, फॉलिकल ज्यादा डेवलप हो रहे हैं और ईस्ट्रोजन ज्यादा होने की वजह से FSH और LH जो है वो लो है. दे मे बी एसोसिएटेड हाइपरथायरायडिज्म, हाइपर पैराथायरायडिज्म एंड एक्रोमेगैली. तो ये एक बहुत बेसिक सा था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर मैं आपको ज्यादा समझाने वाली भी नहीं हूँ इस टॉपिक पर. ओके, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ. सो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट होगा पेज में मैं सिर्फ आपको वही अभी पढ़ाने वाली हूँ ना.
अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट चीज आती है दैट इज डिलेड प्यूबर्टी. डिलेड प्यूबर्टी का मतलब है प्यूबर्टी इज सेड टू बी डिलेड व्हेन द breast tissue or a pubic hair have not appeared by 13 to 14 years of age. Menarche appears as late as 16 years. तो जिनको 16 years में menarche आ रहा है, that means ये late puberty है, या फिर हम कह सकते हैं delayed puberty है. Yeah. So यहाँ पर भी इतना कुछ भी खास नहीं था, इतना कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था, तो मैंने यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं किया उन सबको. एक चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट दी हुई है, दैट इज द मैनेजमेंट प्रोटोकॉल ऑफ प्यूबर्टी मेनोरेजिया. अगर प्यूबर्टी में मेनोरेजिया है, दैट मींस हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो इसमें क्या करना है? पहली चीज रेस्ट करना है, एसोसिएशंस हेमेटिक्लिंस लेने हैं. हैवी ब्लीडिंग अगर कंटिन्यू है तो उसको एडमिट कर देना है फॉर द इन्वेस्टिगेशंस लाइक हीमोग्लोबिन, पेरिफेरल ब्लड फिल्म, प्लेटलेट काउंट, क्लॉटिंग फैक्टर्स की स्टडी करना, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाना, अगर कोई पैथोलॉजिकल चीजें हमें मिल रही है पैल्विक में, तो उसके बाद थायराइड प्रोफाइल कराना प्रॉपरली एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड कम हो जाएगा, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना होगा. ठीक है, उसके बाद में भी दो टाइप के आता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. सो प्राइमरी इज DUB मेजोरिटी. प्रोजेस्टेरोन थेरेपी दी जाती है इसमें. अगर रिस्पॉन्सिव है तो उसको कंटिन्यू रखेंगे दो से तीन साइकिल पर. अगर अनरिस्पॉन्सिव है तो उसको हम ईस्ट्रोजन के साथ करेंगे कंबाइंड और फिर हम 6 to 8 तक देखेंगे. ठीक है, सो बेसिकली आपका ये वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है. जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दी. अभी हम यहाँ पर एक बार की पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, क्योंकि की पॉइंट्स पढ़ के आपको चैप्टर के अंदर जितना भी मेन मेन था वो सब पता चल जाएगा. प्यूबर्टी इन गर्ल्स इज द पीरियड दैट binds childhood to adulthood. तो अभी जब भी आपसे कोई पूछेगा वन लाइन में आपको बताना है प्यूबर्टी क्या होती है, जो कि चाइल्डहुड और एडल्टहुड को जोड़ती है. द मोस्ट कॉमन ऑर्डर ऑफ चेंजेस बाय बिगिनिंग ऑफ अ ग्रोथ स्पर्ट इनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट बड्स दैट इज द पिलार, प्रेजेंस ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक हेयर एंड एक्सिलरी हेयर दैट इज द एंड्राक, पीक ग्रोथ इन हाइट, हाइट एकदम से भर जाना, एंड मेनस्ट्रेशन दैट इज द मेनार्क. यूट्राइन बॉडी एंड सर्विक्स रेशियो 1:1 होता है जब मेनार्क होता है, और जब वो पैदा होता है बच्चा तो उसका 1:2 होता है, सर्विक्स टाइम में बड़ा होता है. एंड आफ्टर दैट एडल्ट में जब जाने लगता है फीमेल, तो उस फीमेल जाने लगती है तो क्या होता है, यूट्रस का साइज बड़ा हो जाता है, क्योंकि यूट्रस में तो आगे जाके बेबी को रहना है. सो यूट्रस साइज जो है वो ग्रो करने लगेगा और बच्चा सर्विक्स तो वो छोटा रहेगा, 2.1 हो जाएगा इन एडल्ट. नेक्स्ट है द टर्म प्रिकॉशियस प्यूबर्टी इज रिजर्व टू दोज हु एग्जिबिट एनी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स बिफोर द एज ऑफ 8 एंड मेंस्ट्रुएशन बिफोर द एज ऑफ 10. ऑलरेडी आई टोल्ड यू द एग्जैक्ट इटियोलॉजी ऑफ GnRH डिपेंडेंट प्रिकॉशियस प्यूबर्टी इज नॉट नोन. सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीज मे बी प्रेजेंट इन 30% केसेस. लाइफ थ्रेटनिंग neoplasm like ovary, adrenal or CNS must be ruled out when a girl with a precocious puberty is seen. अगर किसी में देखी जा रही है कि precocious puberty है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके ovary check करवानी चाहिए, adrenal gland check करवाना चाहिए और CNS system check करवाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इनमें तीनों में कहीं पर कोई tumor हो, कोई neoplasm हो, जिसकी वजह से precocious puberty हुई है. ठीक है, the basic investigation include x-ray, pelvic sonography, skull x-ray, CT scan, MRI and so many more things. Thyroid profile bhi karwa sakte hain. Now next is the primary aim of management of a girl with precocious puberty is to reduce the secretion of a gonadotrophins. So kya karna hai agar precocious puberty hai to hume uska jo GnR, agar GnRH dependent hai to usko hume pehle kam karna hai. Block the peripheral action of steroids. Steroid ka jo peripheral action hai usko kam karna hai. तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें ठीक ठीक हो गई. सो आई होप गाइस कि बहुत इजी सा चैप्टर था, आपको बहुत प्रॉपरली समझ में आ गया होगा, इतना कुछ खास नहीं था. नेक्स्ट आई वांट टू स्टार्ट दोस टॉपिक विच आर इम्पोर्टेंट. ठीक है, सो आई विल स्टार्ट 10 इयर्स क्वेश्चंस फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो. अगर आप मेरे 10 इयर्स क्वेश्चंस जो कि BHMS में स्पेशली पूछे जाते हैं उसको अटेंड करना चाहते हैं तो बी कंटिन्यू विद माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे. उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज दैट यू कैन जॉइन माई अनअकैडमी स्पेशल क्लास एट 3
3 PM. सो वहां पर मैं आपको बहुत बेसिक चीजें पढ़ाने वाली हूँ, तो आप वहां पर कंटिन्यू मेरी क्लास कर सकते हैं. उसके अलावा बी ऑलवेज विद मी, एंड जो भी बच्चे नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपकी फैमिली में आपके आसपास, सो आप रेफर कर सकते हैं मेरे से पढ़ने के लिए. ठीक है, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जस्ट डू योर स्टडी एंड बी प्रिपेयर.